नाम है कुशल कुमार। मारुति सुजुकी ब्रीजा का जेड एक्स आई वेरियंट, मैंने आपको उस कार का बी एक्स आई वेरियंट दिखाया जाए था, जो कि इससे एक लोअर वेरियंट था। अगर आप बेसिक फीचर चाहते हैं अपनी कार में तो उनके लिए तो बी एक्स आई वेरियंट बढ़िया है, पर लेकिन जिन बंदों को बेसिक फीचर से ऊपर चाहिए जैसे एलईडी डीआरएस हो गई, एलॉय व्हील्स हो गए, उस सनरूफ जैसे फीचर्स भी आपको इसी वेरियंट से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हीं सभी फीचर्स की वजह से बेस्ट वेरियंट है वाला। 1,40,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है बी एक्स आई वेरियंट एंड जेड एक्स आई वेरियंट में। फिर फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस रहेगा वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। और रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में तो बिल्कुल गजब लगती है कार देखने में, डुअल टोन कलर में रहने वाली है। इसके लिए आपको 16,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, पर लेकिन 16,000 रुपीज बढ़ते रहे जब आप इस कार को देखेंगे। ब्लैक एंड रेड कलर के साथ तो कॉम्बिनेशन गजब लगता है इस कार का। उस टाइम मैं खड़ा हूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर बिजनौर उत्तर प्रदेश में। शोरूम की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शोर ही होंगी, और कोई सी मारुति कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतने प्राइस में बहुत सी कारें आती हैं, पर लेकिन अगर आप कोई ऐसी कार देख रहे हैं इसमें कोई फीचर्स भी बढ़िया मिल जाए, लुक भी अच्छा होना चाहिए कार का, और मेंटेनेंस कम होनी चाहिए, रीसेल अच्छी होनी चाहिए, माइलेज ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर लिस्ट में से ब्रीजा ही बचती है। फ्यूचर फीचर अगर तो मैं इस कार की था तो उस तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी। कीलेस एंट्री रहने वाली है जिस पर आपको लोक का लोका मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ब्लू कलर रहेगा। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल एलईडी आरएस ऑन होने के बाद देखने में फ्रंट से गजब लगती है बिल्कुल। टॉप मॉडल आपको सेम ही तरह की एलईडी डीआरएस मिल जाते हैं और एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगे, इनका नाइट में रेस्पॉन्स बिल्कुल गजब आता है। और ये रही ग्रिल इस कार की, क्रोम मिल जाएगा आपको यहाँ पर सुजुकी का हो गया लोगो क्रोम में, और ग्रे फिनिश हो गई। बेस मॉडल हो टॉप मॉडल हो सेम ही टाइप की आपको ग्रिल मिल जाएगी, काफी बढ़िया बात है। जेड एक्स आई वेरियंट को फोग लैंप्स नहीं मिलते हैं, पर लेकिन आप इनको एक्सेसरीज के तौर पर लगवा सकते हैं। ये साइड होगी सिल्वर स्किड प्लेट, फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। अगर आप बी एक्स आई से जेड एक्स आई वेरियंट को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंस आएगा आपको उनके एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको जेड एक्स आई वेरियंट में, जो कि ब्लैक कलर के रहते हैं। जैसे आपने काफी देखा होगा जो बंदे आफ्टर मार्केट ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स करवाते हैं, पेंट करवा देते हैं, चाहे उनका सिल्वर कलर हो, पर लेकिन आपको ब्रीजा के जेड एक्स आई वेरियंट में कंपनी फिटेडी ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। 16 इंच के एलॉय व्हील्स रहेंगे, 255/60 R16 की प्रोफाइल रहेगी, ऊपर की साइड हुई क्लैडिंग, काफी अच्छे साइड क्लैडिंग रहने वाली है जिस वजह से देखने में रफ एंड टफ सी लगती है कार। और ये रहा इस कार का ORM, जो कि आपको पियानो ब्लैक फिनिश का मिल जाएगा। इंडिकेटर भी इस कार के ORM पर रहता है, ऊपर साइड की रूफ रे जेड एक्स आईवेंट में एक कंपैरिजन रहता है बी एक्स आईवेंट से। अगर आप कंपेयर करते हैं इसमें आपको सनरूफ मिल जाती है, जो बंदे सनरूफ के फैन है, हाई एंड फीचर्स नहीं चाहिए जिनको, जैसे हेडसेट डिस्प्ले नहीं चाहिए, 360 डिग्री कैमरा नहीं चाहिए, तो जेड एक्स आईवेंट के साइड अपडेट कर सकते हैं। और इंटीरियर भी देखने में काफी बढ़िया लगता है, काफी बढ़िया फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में दिए गए हैं। एक एक करके सभी फीचर्स को हम देख लेंगे क्या क्या ऑफर करे जाने वाले हैं आपको इस कार के इंटीरियर में। वो बी पिलर हो गया इस कार का ब्लैक कलर का, रिक्वेस्ट सब बटन दिया जाएगा आपको उसके डोर हैंडल पर। और ये भी फिर साइड प्रोफाइल इस कार की, डायमेंशन वाइज अगर आप देखते तो डायमेंशन काफी बढ़िया रहती है, और आप इसको एक्स्ट्रा से देखेंगे तो वेन्यू से ज्यादा मुझे डायमेंशन लगती है इस कार की, अगर आप ऐसे इस कार को देखेंगे। और ये भी फिर बैक प्रोफाइल इस कार की, बैक से तो भाई देखने में गजब लग रही है बिल्कुल रेड कलर में, और जो टेल लाइट ऑन होती है जिस वजह से फिर तो आप इसको देख कह ही सकते हैं कि पूरी मिनी रेंज रोवर लग रही है, प्रीमियम से लगती है कार बैक से देखने में। और डुअल टोन की तो बात ही अलग होगी, फिर रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल गजब होके आ रहा है इस कार पे। ओबेक शेड हो गया, शार्क फिन एंटेना, रेड स्पॉइलर हो गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर डिफोकर बोशर वाइपर जैसे फीचर्स आपको इस कार में मिल जाते हैं। सीएनजी में रहेगी कार, सीएनजी की बैजिंग हो गई, यहाँ पर सुजुकी का लोगो हो गया, ब्रीजर लिखा गया स्पेस देकर, एलईडी टेल लाइट हो गई, इंडिकेटर बैक लाइट हो गया बल्ब। तो चलिए मैं आपको सर का बूट दिखाता हूँ, कितना स्पेस आपको सर के बूट में मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया जाता है आपको यहाँ पर, पांच ट्रे हो गई, पूरे अच्छे तरीके से बूट को कवर कर रखा है इसमें। जैसे आप देखते हैं आपको सिलेंडर दिख नहीं रहा होगा, पूरे साइज हो गया सिलेंडर, फिर भी काफी बढ़िया बूट स्पेस रहता है, नीचे की साइड स्पेस है काफी। तो ये तो बात है इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, जैसे आपने कुछ फीचर्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं, जैसे ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स हो गए, एलईडी डीआरएस मिल जाएंगी आपको, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वो कीलेस एंट्री, रियर वाइपर वॉशर, और मेन हाईलाइटिंग जो फीचर है इस कार का वो सनरूफ है, और इंटीरियर में भी काफी बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं, वो सब कुछ वीडियो हम देख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया दिया 1,40,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है बी एक्स आई एंड जेड एक्स आई वेरियंट में। अगर आप ये वाला वेरियंट लेते हैं तो 12,15,000 रुपीज का इस कार का एक्स शोरूम प्राइस है। कौन रो प्राइस जाना तो मुझे कमेंट कर सकता है आपकी सिटी का नाम, मैं आपको कौन रो प्राइस बता दूंगा। तो इस कार में आपको K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिल जाएगा 1500cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 86 BHP की पावर और 121 Nm का टॉर्क। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखा दूं, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। और ये रहा इंटीरियर इस कार का, जैसा देखने काफी बढ़िया लगता है। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर, डोर में हो गया क्रोम कलर का, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, सॉफ्ट टच रहेगा, चार पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, लो का लो के लिए ऑटो डाउन विंडो हो गई, बटन स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस, स्पीकर,
बाहर से देखने में कुछ तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का। तो वैसे उस तरह का रहने वाला इंटीरियर कार का, सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको उस कार के इंटीरियर में। सबसे पहले स्वागत हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो लेदर स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं मिलता है, सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो। स्टीयरिंग और कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको ब्रीजा के ZX साइड वेट में दिए जाते हैं। और ये रस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम मीटर हो गया यहाँ पर, और ये रस स्पीडोमीटर इतने बीच में हो गया, कितने साइज की MID, इसमें इसका फ्यूल का कितना चले, कार क्या माइलेज दे रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखती रहेंगी। यहाँ पर हो गया CNG के फ्यूल का, और ये पेट्रोल। और ये ड्राइवर साइड AC वेंट, यहाँ पर आपको फ्यूल फिनिश मिल जाती है, ट्रैक्शन ऑन हो गया बटन CNG में शिफ्ट करने के लिए, और इंजन स्टार्ट स्टॉप, और टीटर्स हो गए यहाँ पर। ये सेंटर कंसोल इस कार का, 7 इंच का टच स्क्रीन एंड फुटेमेंट सिस्टम दिया जाएगा आपको इस कार में। पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है आपको यहाँ पर, अगर आप BXI वेंट से कंपेयर करते हैं तो आपको उसमें पियानो ब्लैक फिनिश नहीं मिलती है, जिस वजह से इतना प्रीमियम नहीं लगता है। बल्कि ZXI वेंट में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, जिससे प्रीमियमनेस बनी हुई है इंटीरियर में, और सनरूफ मिल जाती है आपको उसमें, जो कि मेन हाईलाइटेड फीचर है इस कार का। यहाँ पर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सनग्लास होल्डर हो गया, कैबिन लैंप है जो कि हैलोजन में रहेगा, और ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर, टिकट होल्डर दिया गया है यहाँ पर, और ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर है यहाँ पर, और ये ग्रैब हैंडल। AC वेंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, हजार्ड लाइट का हो गया बटन, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल होगी AC, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया, और यहाँ पर हो गया चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा स्पेस, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी, का कुछ तरह का नोब रहता है, और ये हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स हो गए यहाँ पर, यहाँ पर हो गया थोड़ा स्पेस। और ये इस कार की फ्रंट सीट, जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फैब्रिक सीट्स रहेंगी जिन पर उस तरह का डिजाइन बना हुआ है, और ये को ड्राइवर साइड डोर, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, और ये ग्लोव बॉक्स कार का, काफी अच्छा साइज रहने वाला ग्लोव बॉक्स का। तो ये तो बात है इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर, जैसे फीचर्स आपको इस कार के फ्रंट सीट पर मिल जाते हैं। अब मैं आपको इस कार की रियर सीट पर भी लेके जाता हूँ, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे को इतना लेग रूम मिल जाएगा, लेग रूम और हेड रूम में तो बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। और रेस्ट बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड, रेरी सी वेंट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, कुछ तरह कंट्रोल्स हैं, 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, कुछ ऐसा हो गया पर हम, फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। 60:40 में आप रेयर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं, आर्म रेस्ट दिया जाएगा आपको यहाँ पर, और फिर सनरूफ का व्यू उस तरह का आएगा। ये ओवरऑल कैबिन इस कार का, फ्यूचर में उस तरह का इस कार का बोक रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर में मिल जाते हैं, और आपको सभी दिखा दिए हैं। फीचर्स में तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, ऐसे लगेगा आपको जैसे कि बिल्कुल टॉप मॉडल है इस कार का। बस आपको उसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, ना ही हेडसेट डिस्प्ले मिलते हैं, कुछ ऐसे हाई एंड फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। पर लेकिन हर किसी को इसके एलोईवीज के भी डिज़ाइन पसंद नहीं आता है, जितने बढ़िया एलोईवीज आपको ZXI प्लस वेरियंट में मिल जाते हैं, उतने बढ़िया आपको ZXI वेरियंट में नहीं मिलते हैं। पर लेकिन देखने में काफी बढ़िया लगते हैं वाले, आफ्टर मार्केट से हम लोग को बताया दिया, ब्लैक कलर में पेंट करा, लेकिन आपको और हाई एंड फीचर तो आपको ZXI प्लस वेरिएंट में मिल जाते हैं। 1,45,000 रुपीज का फिर प्राइस डिफरेंस है ZXI और ZXI प्लस वेरिएंट में, फिर आपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सा वेरिएंट आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है, आप उसी वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। और कोई से वेरिएंट की वीडियो देख रही तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।